डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर आपका स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट टू का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। पहली विधि थी गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि पढ़ी आपने पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, और तीसरी विधि है यहां पर श्रीधराचार्य। क्या नाम है? श्रीधराचार्य। और दूसरा नाम इसका द्विघाती सूत्र, इसका अध्ययन करेंगे हम आज। तो तीसरी विधि लेते हैं हम यहां पर। थर्ड विधि क्या है आपका? थर्ड विधि है श्रीधराचार्य विधि, जिसका दूसरा नाम भी क्या है? द्विघाती सूत्र। तो विधि क्या है? इस विधि को, इस सूत्र को समझने के लिए हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लेते हैं। क्या व्यापक रूप द्विघात समीकरण का? वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और हमने जो इसके पहले विधि पढ़ी है पूर्ण वर्ग विधि, तो यहाँ भी हम कौन सी विधि काम लेंगे? पूर्ण वर्ग विधि काम में लेंगे श्रीधराचार्य को समझने के लिए। इसमें क्या है? फर्स्ट स्टेप होता है इसका दी गई समीकरण को व्यापक रूप में लिखना, तो ये जो आपको व्यापक रूप ही दे रखा है। दूसरा स्टेप होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक का सभी पदों में भाग लगाना। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ए का हम सभी पदों में भाग लगाएंगे। ए का सभी पदों में भाग लगाया हमने, और अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए ए से कैंसिल, और अचर पद का कर देंगे हम पक्षांतरण। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। इसके बाद अगला स्टेप होता है, आप जानते हैं एक्स का गुणांक क्या, एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक है बी अपॉन ए का आधा। क्या होगा इसका आधा? इसका आधा होगा बी अपॉन टू ए का वर्ग। क्या होगा का वर्ग? इसका वर्ग होगा बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। अब इससे हमें क्या करना है? दोनों पक्षों में जोड़ना है बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, इधर भी जोड़ना है, और यहाँ था इस तरफ माइनस सी अपॉन ए, और यहाँ भी जोड़ेंगे हम बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। अब इधर एल एच एस में तो तीन पद, प्रथम द्वितीय और तृतीय, तीनों पद मिलकर बन जाएगा पूर्ण वर्ग, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब होल स्क्वायर किसका बनेगा? प्रथम पद यहाँ से आएगा एक्स, अब होल स्क्वायर प्लस का होगा माइनस का, वो दूसरा पद प्लस का होगा तो प्लस का बनेगा, दूसरा पद माइनस का होगा तो माइनस का बनेगा, तो प्लस, और तीसरा पद यहाँ से आएगा कोष्ठक के अंदर से बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब एल एच एस तो अपनी जगह पर ऐसे कैसे रखेंगे हम इसको, और हम हल करेंगे आर एच एस को इज इक्वल टू एल सी एम आएगा इन दोनों का फोर ए स्क्वायर एल सी एम, ए का भाग फोर ए स्क्वायर में दिया, फोर ए टाइम गुणा करेंगे तो माइनस फोर ए सी प्लस फोर ए स्क्वायर का भाग फोर ए स्क्वायर में वन टाइम वन का गुणा करेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। अब इसको व्यवस्थित लिखते हैं दोबारा, तो क्या आएगा? एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। प्लस वाला पद आगे ले लिया, माइनस वाला पद पीछे ले लिया। अब वर्गमूल करने पर, जैसा कि हम पूर्ण वर्ग वाली विधि में करते थे, वही हम यहाँ करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे। तो यह आ जाएगा रूट एक्स प्लस
बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर का रूट। और आरएचएस में आप वर्गमूल करने के बाद दोनों निशान लेने प्लस और माइनस, एलएचएस में रूट से स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, अंश का रूट हम नहीं जानते हैं तो अंश के ऊपर रूट ऐसे ही लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और हर का वर्गमूल जानते हैं तो ये हो जाएगा टू ए। अब हमें यहाँ पर एल एच एस में जो पद आ रहा है बी अपॉन टू ए उसका हम पक्षांतरण कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एलसीएम लेंगे आर एच एस में तो क्या आएगा, एलसीएम टू ए यह आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यही जो है यद्वर्गमूल इसको एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यही इसका क्या है जो हम पढ़ रहे थे द्विघाती सूत्र, कह दीजिए इसी सूत्र को हम द्विघाती सूत्र कहते हैं और इसको आपको याद रखना है। आगे के प्रश्न, जिस प्रश्न में लिखा होगा द्विघाती सूत्र हल करो उसमें आपको यही सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इस सूत्र में ए बी सी के मान रखकर हल करेंगे तो द्विघात समीकरण के दो हल आ जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम करने जाएंगे, दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको पहले मूलों के अस्तित्व की जांच करनी है, तो यहाँ अगला टॉपिक में लेता हूँ यहाँ पर मूलों के अस्तित्व की जांच। तो मूलों के अस्तित्व, मूल का मतलब हल होता है, अस्तित्व की जांच। तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, हाँ या ना, में हमें इसकी जांच करनी है। तो मूलों का अस्तित्व किस पर निर्भर करेगा, देखिए अब यहाँ पर जो द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र में एक पद रूट का आ रहा है, रूट के अंदर की जो पद है इसका मान कैसे आएगा इस पर निर्भर करेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। रूट के अंदर पद है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या पद है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसको यह नाम देते हैं डी, और डी को बोलते हैं हिंदी में विवित्कर, विवित्कर। अगर हम यहाँ ए बी सी के मान रखकर हल करें, हल करने पर या तो आएगी धनात्मक संख्या या आएगी जीरो या आएगी ऋणात्मक संख्या, तीन तरह के मान आ सकते हैं। सवाल कोई भी हो, ए बी सी के मान कुछ भी हो, मान रखकर हल करेंगे या तो आएगी प्लस की संख्या या आएगी जीरो या आएगी माइनस की संख्या। तो देखिए हम ए बी सी का मान रखते हैं यहाँ पर, मान लिया ए बी सी का मान रखने पर यहाँ पर कोई संख्या क्या आ गई, धनात्मक संख्या आ गई, पॉजिटिव संख्या आ गई, तो इसको हम लिखेंगे डी ग्रेटर देन जीरो। डी का मान जब जीरो से बड़ा हो तो हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। कब, जब धनात्मक संख्या है, और मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करने हैं, और मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे और उसमें मान रखकर हम हल कर लेंगे। अब सेकेंड स्थिति यहाँ क्या बन सकती है, ये तो मान लिया फर्स्ट स्थिति बन गई पॉजिटिव, अब सेकेंड स्थिति यहाँ बन सकती है आपके कि हल करने पर ए बी सी के मान रखने पर इसका मान आ गया जीरो, जीरो आता है उस समय हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और मूलों का अस्तित्व है तो फिर यहाँ पर भी आपको वही द्विघाती सूत्र x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए के अंदर ए बी सी का मान रखकर हल कर लेंगे। नंबर तीन स्थिति यहाँ बनती है कि यहाँ पर हमने d में ए बी सी का मान रखा और यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मान रखने पर ऋणात्मक संख्या आती है, नेगेटिव संख्या आती है, तो ऋणात्मक संख्या आएगी तो हम लिखेंगे ये जो मान है जीरो से छोटा है, ऋणात्मक मान है, और ऋणात्मक मान अगर आता है तो हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि इसके ऊपर रूट लगता है और रूट के अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या आती है तो उसका रूट हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या यूं कह दो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता है, इसलिए यह हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। और मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें मूल ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक ही करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा सूत्र और तीनों स्थितियाँ। अब इनका उपयोग करके हम प्रश्न संख्या दो, दो के छः पार्ट है, सारे पार्ट तीसरा चौथा पांचवा ये सारे प्रश्न हम इन्हीं का उपयोग करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर दो का फर्स्ट, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस वन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें जांच करनी अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व है तो हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करना है। तो देखिए हम इसकी अस्तित्व की जांच करेंगे। अस्तित्व की जांच कैसे करें? तो अस्तित्व की जांच करने के लिए हम यहाँ अभी जो हमने पढ़ा था डी वित कर, तो यहाँ देखिए पहले इसकी हम तुलना करते, व्यापक रूप से तुलना करें तो क्या आएगा? ये आएगा a इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू एंड c इज इक्वल टू वन। अब जो मैंने अस्तित्व की जांच करनी है हमें, तो मैं यहाँ देखिए लिखता हूँ अस्तित्व की जांच। और अस्तित्व की जांच करने के लिए सूत्र बताया मैंने, क्या सूत्र बताया था? d विविध कर, d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अब हम यहाँ पर ए बी सी के मान रखेंगे, तो b का मान है माइनस टू रूट टू का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है माइनस फोर, a का मान है टू एंड c का मान है वन। हल करते हैं इसको हम, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, टू का स्क्वायर फोर एंड रूट टू का स्क्वायर टू माइनस एट। अब इसको अगर हल करें हम आगे तो क्या आएगा? देखिए अब हम इसका हाफ पार्ट कर देते हैं बोर्ड का, भी आ गया d इज इक्वल टू एट माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। डी का मान ज़ीरो आ गया, तो हमने कहा था d का मान ज़ीरो है, इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अस्तित्व है, या कह दो मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है तो हमें इसको हल करना है द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या है? हमने पढ़ा है अभी, द्विघाती सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। मान लो फोर्स में सबके देन x इज इक्वल टू माइनस बी, बी का मान है माइनस टू रूट टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए, ए का मान फिर वही टू एंड सी का मान वन अपॉन टू ए, टू इंटू ए का मान टू। हल करें तो क्या आएगा यहाँ से? एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू रूट टू प्लस माइनस रूट, फिर वही हो जाएगा माइनस का प्लस टू का फोर एंड टू माइनस एट अपॉन टू इंटू टू फोर। नेक्स्ट हो जाएगा इसका पार्ट एक्स इज इक्वल टू प्लस टू रूट टू माइनस प्लस माइनस, ये अंदर आ गया एट माइनस एट ज़ीरो अपॉन फोर। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू टू रूट टू अपॉन फोर, तो ये आ जाएगा टू से वन टाइम और टू से टू टाइम। नाउ एक्स इज इक्वल टू रूट टू अपॉन वाले टू को लिख सकता हूँ मैं रूट टू का होल स्क्वायर, देन अंश के रूट टू से ये वन टाइम कैंसिल हो गया, देन एक्स इज इक्वल टू बच गया वन अपॉन रूट टू। तो देखिए अब यहाँ पर आप x का मान आ गया वन अपॉन रूट टू,
जबकि द्विघात समीकरण है तो इसके दो हल आने चाहिए, तो यहाँ रूट के अंदर वाला मान जीरो आ गया, इसलिए इसके दोनों मान समान होंगे, इसलिए इसके हल आएगा 1/√2 और दूसरा हल भी 1/√2, और यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट सेकंड का सेकंड इस प्रश्न है आपका वही 9x² + 7x - 2 = 0। यहाँ पर भी हमें इसकी पहले अस्तित्व की जांच करनी है। अस्तित्व की जांच करने के लिए हम इस समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करेंगे, तो आएगा a का मान आएगा 9, b का मान आया 7 एंड c का मान आया -2। अब अस्तित्व की जांच करनी है हमें, अस्तित्व की जांच, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सूत्र लेंगे d में मान रखेंगे d = b² - 4ac। मान रखो b का मान आया यहाँ 7 का स्क्वायर -4, a का मान 9 एंड c का मान -2। 7 का स्क्वायर 49, -, प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो गुणा करके प्लस हो जाएगा। इनको गुणा करो, 4 × 2 = 8, 8 × 9 = 72, इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा यहाँ पर, देन d = आएगा 2 × 9 = 11, असल के 1 × 8 = 12, 121। और 121 जो मान क्या है, धनात्मक मान है, जीरो से बड़ा मान है, जीरो से बड़ा मान है। तो हमने पढ़ा है इस स्थिति में भी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अस्तित्व है, तो फिर वही हम काम लेंगे इसका, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र याद होगा आपको, क्या सूत्र द्विघाती सूत्र, बार बार इसको बोल बोल कर लिखें, x = -b + √b² - 4ac / 2a। अब हल करेंगे इसको हम, तो इसमें मान रखेंगे हम, क्या आएगा, x = -b क्या है यहाँ पर, b का मान है यहाँ पर 7, तो 7 + √b² - 4ac। b का मान है यहाँ 7 का स्क्वायर - 4, a का मान 9 एंड c का मान -2/2a, 2 × a का मान यह है 9। x = -7 + √ में 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसका मल्टीप्लाई अभी हमने किया था 72/2 × 9 = 18। x = -7 + √121/18 = x = -7 + √121/18। फिर वही यहाँ से प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ हम हल करेंगे प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या जाएगा, x = -7। प्लस और माइनस कहाँ से लेना, केवल यहाँ पर, बाकी सारे चिन्ह वैसे के वैसे ही रहेंगे, यहाँ पर हमें प्लस लेना है, -7 + 11/18, देन x = 4/18, देन x = 4, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम और 2 से 9 टाइम, देन x = 2/9। फिर माइनस लेने पर, यहाँ प्लस लिया था अब माइनस लेंगे, देन x = यहाँ से लेना प्लस माइनस, तो क्या रहेगा, -7 अपनी जगह पर, यहाँ माइनस लेना तो -11/18, देन x = दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे -18/18, देन x = -1। तो x के दोनों मान आ गए, x का पहला मान तो आया 2/9 और दूसरा मान आया -1, यही इसके क्या है आंसर है। समझ आया होगा आपको, क्या क्या पहले हमने अस्तित्व की जांच करनी है, अस्तित्व की जांच करने के लिए सूत्र कौन सा लेंगे हम, डी का सूत्र होता है b² - 4ac। ए बी सी के मान दिए गए प्रश्न की तुलना करेंगे हम व्यापक रूप से, वहाँ से ए बी सी के मान आ जाएंगे, मान रख के हल करेंगे, कैसा मान आता है, धनात्मक आता है, जीरो आता है, ऋणात्मक आता है, तीन मान आ सकते हैं, तो यहाँ धनात्मक मान आया है, प्लस की संख्या ये, इसलिए जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब अस्तित्व है। द्विघाती सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र लिखा मैंने, फिर मान रखा, हल किया, तो x के दो मान आ गए, एक तो माना x का मान आया
2/9 और दूसरा आ गया 1, यही इसका आंसर है। दूसरे का तीसरा प्रश्न है एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0। हमें इसके भी अस्तित्व की जांच करनी है और द्विघाती सूत्र से इसको भी हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको व्यापक रूप में बनाएंगे, व्यापक रूप में नहीं है। अब देखिए हल करने में इस पद का कोई रोल नहीं है, हमें केवल इन पदों को लेना है, समीकरण को लेना है। तो दोबारा लिखता हूँ मैं समीकरण को हल करने के लिए। समीकरण क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो मैं एलसीएम लूँगा, इधर एलसीएम क्या आएगा, जब इस x के अपॉन 1 है, 1 के अपॉन x है, तो 1 और x का एलसीएम आ गया एक्स। हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और 3 के अपॉन में क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे इधर वाले पद से और x का गुणा करेंगे 3 से। तो ये आ जाए क्रॉस गुणा करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। पक्षांतरण करेंगे इसका तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 3x का पक्षांतरण किया तो माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम तुलना किससे करेंगे, व्यापक रूप से तुलना करेंगे। व्यापक रूप से तुलना करने पर क्या आएगा, ए बी सी के मान आ जाएंगे। तो ए का मान क्या आया, यहाँ देखो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ एक्स का गुणांक यहाँ आएगा, यहाँ कुछ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है 1। बी इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स का गुणांक एंड सी इज इक्वल टू 1, ए बी सी के मान आ गए। अब हमें अस्तित्व की जांच करनी है, क्या करना है, अस्तित्व की जांच। अस्तित्व की जांच के लिए सूत्र क्या काम लेंगे हम, डी। डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखो ए बी सी के, बी का मान तो माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 1, रखो मान रखो तो क्या आएगा, डी इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4, देन डी इज इक्वल टू 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाने पर यहाँ होगा 5, तो यह आ गया 5। डी का मान 5 है, 5 का मान क्या मतलब 0 से बड़ी संख्या है, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर, द्विघाती सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस, बी का मान क्या है, बी का मान हमने निकाला माइनस 3, तो ये माइनस 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी क्या है फिर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 एंड सी का मान 1। हल कीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अपॉन 2a, a का मान है यहाँ पर हमारे पास 1। हल करें x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 प्लस माइनस रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 अपॉन 2। अब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। वही एक बार प्लस एक बार माइनस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ये एक आंसर आ गया। दूसरा माइनस लेने पर क्या आएगा, माइनस लेने पर x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो यही जो x के जो मान आए दोनों, वही इसके हल है। x इज इक्वल टू पहला मान तो यहाँ है माइनस 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और दूसरा मान है माइनस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, यही इसके आंसर है। समझ में आया होगा आपको, पहले इसको हमने क्या किया, हल किया, एलसीएम लेके हल करके इसको व्यापक रूप में लाए। व्यापक रूप में व्यवस्थित करने के बाद इसकी तुलना की,
तुलना करके ए बी सी के मान निकाले, फिर अस्तित्व की जांच की। अस्तित्व की जांच, अस्तित्व है इसलिए द्विघाती सूत्र लगाकर हमने इसको भी हल किया। आपको समझ में आया होगा। सेकंड का फोर्थ, इसकी भी हम तुलना करेंगे, तो ए का मान तो यहाँ आएगा रूट टू, बी का मान आएगा 7 और सी का मान आएगा 5√2। तो ए बी सी के मान हैं। अब इस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, अस्तित्व की जांच करेंगे। कैसे करेंगे अस्तित्व की जांच? अस्तित्व की जांच सूत्र क्या होता है, याद है आपको? सूत्र होता है इसका डी। डी का मतलब विविधकर। विविधकर का सूत्र क्या लिखते हैं हम? विविधकर का सूत्र लिखते हैं हम b² - 4ac। ए बी सी के मान रखेंगे, हल करेंगे। कैसा मान आता है, प्लस माइनस या जीरो, जो भी आता है उसके अनुसार आपको द्विघाती सूत्र लगाकर हल करना है। तो ये प्रश्न आपको हल करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रश्न भी बिल्कुल सरल है। क्या है, x² + 4x + 5 = 0। इसमें भी देखिए आप, a का मान 1, b का मान 4 और c का मान 5। इस प्रश्न को भी आप अस्तित्व की जांच करके द्विघाती सूत्र में मान रखकर हल करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप ये दोनों प्रश्न बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 6। इसी प्रश्न का दूसरे का छठा प्रश्न लेंगे हम, जो एलसीएम लेना है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। सेकंड का 6 है 1 upon x minus 1 upon x minus 2 = 3, जहाँ x is not equal to 0 and 2। तो इस प्रश्न को हल करने में इन पदों का कोई उपयोग नहीं है, तो हम केवल इन पदों को हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। दोबारा लिखता हूँ इस प्रश्न को, 1 upon x minus 1 upon x minus 2 = 3। एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा x into x minus 2 = 3। तो हल करने पर x कैंसिल, बच गया x-2, और x-2 का गुणा करेंगे 1 से, तो x-2 माइनस x-2 से x-2 कैंसिल, x का गुणा करेंगे 1 से x = 3/1। नेक्स्ट स्टेप देखिए अब क्या हो जाएगा, x + x - कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल, क्या आया -2 upon x into x minus 2 = 3/1। तिरछा गुणा करेंगे तो 1 का गुणा -2 से, तो -2 = 3 into x into x minus 2। -2 = 3x का गुणा x से करेंगे, 3x² - 6x। पक्षांतर करेंगे -2 का, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x² - 6x + 2 = 0। अब यहाँ पर ये व्यापक रूप हो गया, 3x² - 6x + 2 = 0। तुलना करेंगे तो a का मान -6 एंड c का मान 2। वही जांच करेंगे हम अस्तित्व की है या नहीं है। जांच के लिए क्या करेंगे, db² - 4ac में मान रखेंगे। b का मान क्या है, b का मान -6² - 4, a का मान 3 c का मान 2, देन 6² = 36, माइनस 4 3 12 12 2 24, यह आ गया 36 - 24 = 12। डी का मान आया 12, 12 जीरो से बड़ा है, अतः अस्तित्व है। अस्तित्व है तो हमें इसको हल करना है। हल किससे करेंगे, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से हल कर रहे हैं हम। द्विघाती सूत्र लिखेंगे हम, क्या सूत्र है, x = -b + √b² - 4ac / 2a। अब हम इसमें ए बी सी के मान रखेंगे, तो ए बी सी के मान से क्या आएगा, ए बी सी के मान रखेंगे हम यहाँ पर, तो देखो पहले
देन एक्स इज इक्वल टू मान रखे माइनस बी, बी का मान क्या आया है, बी का मान ऊपर है माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी क्या है वही फिर वापस माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान थ्री एंड सी का मान टू अपॉन टू ए, टू इंटू थ्री। हल करें x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का सिक्स प्लस माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्स, x इज इक्वल टू प्लस सिक्स प्लस माइनस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेल्व अपॉन सिक्स। अब हम यहाँ पर सिक्स ट्वेल्व का स्क्वायर रूट नहीं जानते हैं तो क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू सिक्स प्लस माइनस ट्वेल्व लिख सकते हो मैं फोर इंटू थ्री अपॉन सिक्स, एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस माइनस फोर का रूट होता है टू रूट थ्री अपॉन सिक्स। अब यहाँ पर एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर हल ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस लेने पर, तो प्लस लेंगे हम यहाँ पर, तो प्लस लेने में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ प्लस माइनस दोनों दे रखे हैं वहाँ हम एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे, उससे क्या हो जाएगा प्लस लेने से भी एक्स का एक मान आएगा और माइनस लेने पर भी एक्स का एक मान आ जाएगा। तो हल करते हैं हम इसको, तो आ गया एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू रूट थ्री अपॉन सिक्स। देखिए अभी दोनों को दोनों अंश में टू कॉमन आ सकता है, तो एक्स इज इक्वल टू टू कॉमन लिया तो थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन सिक्स, तो टू सिक के पाड़े से सिक्स थ्री टाइम, देन एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन थ्री। अब थ्री का हम भाग लगा सकते हैं अलग अलग स्टेप में, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन थ्री, तो थ्री अपॉन थ्री कैंसिल वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री अपॉन थ्री को लिख सकता हूँ मैं फिर रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री वन टाइम कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री, ये आया प्लस लेने पर। इसी प्रकार अगर माइनस लेंगे तो क्या मान आएगा, माइनस लेने पर केवल जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो सीधा लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो ये एक्स के एक मान ये और दूसरा मान ये वाला, दोनों ही क्या है प्रश्न के आंसर है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्या प्रश्न है, ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम संख्या आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए आप थ्री फाइव सेवन नाइन, ये विषम संख्या होती है। अब हमें दो विषम संख्या माननी है और क्रम से माननी है, देखिए कोई भी दो विषम संख्या बीच का अंतर कितना होता है दो, यहाँ भी अंतर क्या है दो, यहाँ भी अंतर कितने का है दो। अगर मैं एक संख्या पहले उसको एक्स मान लूँ तो दूसरी संख्या तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो जोड़ना पड़ेगा। अगर पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या क्या आएगी x प्लस टू, क्यों आएगी, क्योंकि दो क्रमागत विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है दो का, इसलिए मैं यहाँ पर दो क्रमागत विषम संख्या मानूंगा और क्या मानूंगा, पहली x और दूसरी x प्लस टू। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को हल करना, सॉल्व। माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक मान लिया हमने x और दूसरा मान लिया x प्लस टू है, फिर क्या लिखा प्रश्न में, उनके वर्गों का योग, क्या लिखा है वर्गों का योग, तो मैं यहां लिखूंगा प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या लिखा है, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कितना होता है 290,
प्रथम जो धनात्मक पूर्णांक लिया है विषम धनात्मक पूर्णांक उसका वर्ग और दूसरे धनात्मक पूर्णांक का वर्गों का योग 290 होता है। अब इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर, तो पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर सूत्र आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 290। तो ए की जगह पर एक्स है, जहाँ जाइए आएगा एक्स आ जाएगा, बी की जगह क्या है टू। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं हम। होल स्क्वायर खोलने के लिए सूत्र लगाया हमने, अब सूत्र का हम सारे कोष्टक खोलेंगे, देखिए क्या आएगा। प्रथम पद आया एक्स स्क्वायर प्लस फिर आया एक्स स्क्वायर फिर टू इंटू टू क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस टू का स्क्वायर फोर इज इक्वल टू 290। पक्षांतरण करेंगे दोनों को जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर माइनस 290 इज इक्वल टू जीरो। अगेन टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स दोनों एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा माइनस 286 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए तीनों पदों में दो का भाग जा सकता है, तो मैं यहाँ पर तीनों पदों में दो का भाग दे दूंगा जिससे कि आपको यहाँ पर हल करने में क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी। दो का भाग जा रहा है इसलिए सब में दो का भाग दे दीजिए, संख्याएँ छोटी हो जाएगी और आगे हल करने में आसानी रहेगी। देन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 143 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, हम तीन विधियाँ पढ़ चुके हैं, पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि हमने पढ़ी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि हमने आज पढ़ी है श्रीधराचार्य या कि द्विज्ञाति सूत्र। तो हमने यहाँ पर आज पढ़ा वही सूत्र लगाएंगे, सूत्र पढ़ा हमने द्विज्ञाति सूत्र। तो द्विज्ञाति सूत्र में हमें ए बी सी के मान की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर इस द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करेंगे, वहाँ से मान आ जाएगा ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 एंड बी का मान एक्स का गुणांक 2 एंड सी का मान माइनस 143। अब हम यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र याद होगा आपको एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, बार बार इसको बोल बोल कर लिखे आप याद हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोबारा सूत्र को याद कर लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र में मान रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, बी का मान रखेंगे हम यहाँ पर, तो माइनस बी का मान क्या है हमारे पास 2, तो बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान 1 एंड c है माइनस 143 अपॉन 2a, 2 इंटू ए का मान 1। देन x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 असल के 1 4 4 16 और 1 17 असल के 1 4 और 1 5 अपॉन 2। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर रूट के अंदर क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो देखिए आप क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट उनको जोड़ने पर हो गया 576 अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, 576 का वर्गमूल आप जानते हैं याद होगा आपको 24 अपॉन 2। नाउ प्लस और माइनस, तो प्लस लेने पर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 24 अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और प्लस हो जाएगा, प्लस की संख्या हो जाएगी 22 अपॉन 2। देन एक्स इज इक्वल टू 11, तो एक्स की एक वैल्यू आ गई 11।
नेक्स्ट हम लेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या आएगा, माइनस लेने पर x इज इक्वल टू माइनस टू माइनस 24 अपॉन टू, x इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन टू, x इज इक्वल टू माइनस 23 और x की इक्वल आ गई माइनस 23। देखिए हमारे प्रश्न में क्या था, प्रश्न हमें मानना था धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ देखो x की दो वैल्यू आई, एक तो आई धनात्मक एक आई ऋणात्मक, तो ऋणात्मक तो हमें लेना ही नहीं है तो यहाँ तो लिख देंगे हम असंभव। अब हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू, तो प्रथम पूर्णांक हो गया विषम पूर्णांक क्या हो गया x इज इक्वल टू 11 और द्वितीय पूर्णांक हो जाएगा x प्लस टू, दो माने हमने, पहला माना x दूसरा माना x प्लस टू, तो x का माना 11 तो द्वितीय हो जाएगा 11 प्लस टू इज इक्वल टू 13, मतलब दो क्रमागत क्या हो जाएगा यहाँ पर, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक क्या होगा यहाँ पर 11 एंड 30, यही इसका आंसर है। समझ में आया होगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ संख्या मानने के लिए हमें रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या में रिलेशन है कि छोटी का वर्ग बड़ी का 4 गुना है, तो यहाँ बाद में कौन आ रहा है, छोटी आ रही बड़ी, बाद में आ रहा बड़ी, तो मानने के लिए हम सबसे पहले बड़ी को मानेंगे, तो ये मानेंगे हम यहाँ पर माना बड़ी संख्या इज इक्वल टू एक्स। अब क्या लिखा प्रश्न में, दोबारा लिख सकते हैं हम प्रश्न अनुसार क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है साफ साफ छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब होल स्क्वायर कितना है, बड़ी संख्या का 4 गुना, 4 इंटू बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या को हमने क्या मान लिया, बड़ी संख्या को हमने माना था x, तो दोबारा लिख दूंगा इधर वापस, छोटी संख्या का वर्ग इज इक्वल टू 4 बड़ी संख्या x। फिर हम क्या लिखा प्रश्न में, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो हम लिखेंगे फिर इधर बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग अंतर है इसलिए माइनस छोटी संख्या का वर्ग इज इक्वल टू कितना अंतर 45। अब मान लग दिया हम यहाँ पर जो माना है हमने बड़ी संख्या छोटी संख्या इनका मान आ जाए, तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, बड़ी संख्या x मानी हमने, तो देन x का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना है आपके सामने है, ऊपर ये रहा छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है 4x, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 45, देन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तुलना करेंगे व्यापक रूप से तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 45। a का माना था x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, b का माना था माइनस 4, यहाँ रहा x का मान x का गुणांक, और c का माना चरपद माइनस 45। नाउ द्विघाती सूत्र, क्या द्विघाती सूत्र, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देन x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, देन माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस 4, तो माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 45 अपॉन 2 इंटू ए, ए की वैल्यू 1, अगेन एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट
माइनस फोर का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, ये चार का गुणा करना हमें 45 ही, तो चारों पंजे 20, हासिल किए 2, चार चौक 16 और 2 18 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा इसके आगे, इसके आगे हो जाएगा आपके x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे हो जाएगा 196 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 196 का वर्गमूल आप सब जानते हैं 14 बट्टा 2, अगेन प्लस लेने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 4 प्लस 14 बट्टा 2, x इज इक्वल टू 18 बट्टा 2 इज इक्वल टू 9, देन x की एक वैल्यू आ गई 9, फिर माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस लेने पर x इज इक्वल टू x माइनस 14 सॉरी 4 माइनस 14 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 5, तो हमें यहाँ बड़ी संख्या लेनी है x, तो x के दो मान है, x का मान एक तो है 9 और दूसरा है माइनस 5, तो यह धनात्मक संख्या लेंगे हम, देन बड़ी संख्या आ गई आपके यहाँ पर, बड़ी संख्या में x माना था इसलिए बड़ी संख्या हो गई 9, छोटी संख्या का वर्ग हमने माना है, छोटी संख्या का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर वो है 4 इंटू एक्स, तो x का मान 9 इज इक्वल टू 36, तो छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल, तो ये हो गया छोटी संख्या इज इक्वल टू 6, तो आंसर आ गया, दोनों को साथ लिख दीजिए, छोटी संख्या 6 एंड बड़ी संख्या 9, यही इस प्रश्न का आंसर है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके, 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दो गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक। दोबारा पढ़िए प्रश्न को समझिए, हमें क्या दे रखा है, एक संख्या दे रखी है 16, 16 के हमें दो टुकड़े करने हैं, और दो टुकड़े किस प्रकार करने हैं, दो टुकड़े करना है एक बड़ा और एक छोटा, अब बड़े के लिए क्या दे रखा है, लिखा है बड़े भाग के वर्ग का, बड़े भाग का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर का दो गुना, बड़े भाग का स्क्वायर इंटू 2, फिर लिखा है छोटे भाग के वर्ग से छोटे भाग का स्क्वायर प्लस 164, ये आपको दिया है, तो हम यहाँ बाद में कौन आ रहा है, पहले आ रहा बड़े भाग, बाद में आ रहा छोटा भाग, तो हम यहाँ पर मानने में सबसे पहले छोटे भाग को मानेंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना शुरू करते हैं, तो हम यहाँ मानेंगे, माना 16 का छोटा भाग क्या मान लिया हमने, x, तो फिर बड़ा भाग क्या होगा, तो बड़ा भाग होगा कुल 16 है, 16 में से x बाहर निकाल दो, 16 माइनस x, 16 के दो भाग करने हैं, एक भाग हमने x मान लिया, दूसरा भाग क्या हो गया 16 माइनस x। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो लैंग्वेज लिखी है उसको ध्यान से समझिए, आप क्या लिखिए, दोबारा पढ़िए, बड़े भाग के वर्ग का दो गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो लिखता हूँ इधर, बड़े भाग का वर्ग, तो इसका मैंने कर देता हूँ स्क्वायर का दो गुना इंटू 2, बड़े भाग के वर्ग का दो गुना इज इक्वल टू कैसा है, छोटे भाग के वर्ग, तो छोटा भाग का स्क्वायर छोटे भाग के वर्ग से अधिक है, अधिक का मतलब प्लस 164 रख दो, मान रख दो, बड़ा भाग क्या माना हमने 16 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू बड़ा भाग क्या माना हमने, सॉरी छोटा भाग माना हमने एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 164। अब हम आगे क्या करना पड़ेगा,
अब हम आगे यहाँ पर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर खोलने का सूत्र आप सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर यहाँ क्या है, 16 है, ए की जगह पर 16 है, बी की जगह पर एक्स एक्स इंटू टू। तो ये पूरे को दो से गुणा करेंगे तो बड़े क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, इंटू टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 164। दो का अंदर गुणा कर देते हैं तो पहले चलो पहले क्वेश्चन खोल लेते हैं। 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 दूना 32 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे अगले स्टेप में दो से इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 164। दो से गुणा करना है, 256 का दो से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हासिल के 1, 2 पंजा 10 और 1 11 हासिल के 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 512 माइनस 32 को दो से गुणा करेंगे 64 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 164। पक्षांतरण करेंगे और व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का पद माइनस 64x, फिर संख्या प्लस 515 माइनस 164 इज इक्वल टू जीरो। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया एक्स स्क्वायर, घटाएंगे इनको तो 12 में से 4 गए प्लस का आएगा संख्या, 12 में से 4 गए 8, पीछे बचे 0, 10 में से 6 गए 4 और ये 4, 5 में से गया 4, सॉरी हमें 64 को नहीं घटाना है, 164 को घटाना है। तो यहाँ इसको सुधार करते हैं, घटाया तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा, माइनस 64x। अब इनको घटाना है हमें तो वही 12 में से 4 गए प्लस की संख्या आएगी, 12 में से 4 गए 8, पीछे पीछे 0, 0 में से 10 में से 6 गए 4, फिर 4 में से 1 गए 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर इसको हमें हल करना है द्विघाती सूत्र से, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 64 एंड c इज इक्वल टू 348। अभिम द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र सूत्र याद होगा आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम सूत्र मान रखेंगे, सूत्र मान रखने के लिए मैं then x x is equal to minus b, b का मान आपके minus 64, तो minus 64 plus minus root b square, तो minus 64 का square minus 4, a का मान 1 और c का मान आपके यहाँ पर 348 अपॉन 2a, 2 इंटू ए का मान 1, देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 64 प्लस माइनस रूट 64 का स्क्वायर, 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 4096 माइनस, इनका गुणा करेंगे आप यहाँ पर तो यह आएगा 1392, 4 का गुणा करेंगे हम 348 से 1392 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस रूट, इन दोनों को घटाएंगे हम तो घटाने पर यह आएगा 2704 अपॉन 2। देन x इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस 2704 का रूट आएगा आपके यहाँ पर 52 अपॉन 2। फिर वही यहाँ पर एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर
अपॉन टू, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 64 प्लस 52 अपॉन टू, तो ये हो जाएगा इनका योग, दो चार छः, पाँच छः ग्यारह अपॉन टू, जो भाग लगाने वाले यहाँ पर 58, और 58 जो क्या है, संभव नहीं है, असंभव। और दूसरा हो जाएगा माइनस लेने पर, क्या रहा माइनस लेने पर, x इज इक्वल टू 64 माइनस 52 अपॉन टू, घटाएंगे हम तो यह जाएगा 12 अपॉन टू इज इक्वल टू 6। तो x का मान आ गया 6। x किसको माना हमने, x माना हमने छोटे बाप को, x माना हमने छोटे बाप को, तो छोटा भाग मिल गया हमें 6, तो बड़ा भाग हो गया 16 माइनस x, तो लास्ट में वापस मैं लिखूंगा एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आ गया 16 का छोटा भाग, तो आ गया एक्स इज इक्वल टू 6, और बड़ा भाग हो जाएगा 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। तो 16 के दो भाग हो गए, पहला भाग होगा 6 और दूसरा होगा 10, और ये इसका आंसर है।